न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, रेस 4 के चाहने वालों के लिए आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों। सलमान खान एंड सैफ अली खान इस फिल्म के अंदर हमें दिखाई देंगे। जी हाँ गाइस, क्या है पूरा मामला, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। सो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो गाइज, कई टाइम पहले रिपोर्ट्स आई थी कि यार सलमान खान रेस 4 में नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। क्या पुरानी फिल्म जब रेस 3 आई थी तो उसको डायरेक्ट किया था रेमो डिसूजा ने, तो क्या रेस 4 को भी वही डायरेक्ट करेंगे, क्या इनका रीयूनियन होगा। कई सारे जवाब थे, लेकिन दोस्तों अब फाइनली माहौल लग गई है ये ही समझो गाइज, और जल्दी अनाउंसमेंट भी हो सकता है। रेस 4 के अंदर सलमान खान नज़र आएंगे और सलमान खान के साथ देंगे पुराने खिलाड़ी रेस 4 के। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान पुरानी फिल्म के जो नायक रहे हैं रेस 2 के, रेस 1 के, वो भी इस फिल्म में भाई साहब कमबैक कर रहे हैं। रेस 4 में सलमान खान और सैफ अली खान की भिड़ंत होने वाली है दोस्तों, ये यकीनन अपोजिट साइड में ही नज़र आएंगे। सो दोस्तों, इस फिल्म को वास्तव में डायरेक्ट करने वाले हैं अब्बास मस्तान, जो कि इस फिल्म के पुराने निर्माता डायरेक्टर रहे हैं गाइस, और इनका ही ये यार विज़न था, रेस फ्रेंचाइजी को यही लेके आए थे, इनके ही दिमाग की उपज थी। सो फाइनली अब ये वापस कमबैक कर रहे हैं और पुराने खिलाड़ी भी इसमें नज़र आने वाले हैं। रेस फ्रेंचाइजी यार बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी में से एक रही है। 2008 के अंदर आया था इसका फर्स्ट पार्ट, उसका सेकंड पार्ट 2013 में रिलीज हुआ, देन 2017 में इसका तीसरा पार्ट आया, लेकिन तीसरा पार्ट इसका इतना ज़्यादा चला नहीं था। फर्स्ट पार्ट ने भाई साहब यहाँ पर एक सुपरहिट की श्रेणी में थी ये मूवी, अच्छा खासा कलेक्शन किया था, वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ से ज़्यादा था। वहीं रेस 2 ने भाई साहब इंडियन बॉक्स ऑफिस के ऊपर ही 100 करोड़ का कारोबार किया था, वहीं वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के ऊपर ये गई थी गाइज मूवी। वहीं थर्ड मूवी ने गाइज इंडिया के अंदर 167 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन एवरेज रही थी क्योंकि इसका बजट 200 करोड़ था। वहीं वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो लगभग 350 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसका बजट बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मूवी थोड़ी प्रॉफिट में तो थी, लेकिन वैसा इस मूवी को यार स्टैंडर्ड नहीं मिला था जिस तरह की इसकी ये फ्रेंचाइजी रही है, जिस तरह की इसकी फैन फॉलोइंग रही है, उस तरह का थर्ड पार्ट को यार रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सो कहीं ना कहीं अब इस फिल्म को लेकर डायरेक्टर निर्माता बहुत ज़्यादा सचेत है। फिल्म के जो स्टार है सलमान खान, वो भी उनको भी अब आइडिया मालूम हो गया है गाइस कि यार अब्बास मस्तान के बिना ये गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि रेस की जान है भाई अब्बास मस्तान। उन यार उनकी स्पेशलिटी रही है कि क्राइम एक्शन थ्रिलर को एक ही फिल्म के अंदर किस तरह से पिरोया जाए। सो दोस्तों, यकीनन अगर सैफ अली खान भी जुड़ते हैं तो यार सैफ अली खान रेस का चेहरा रहे हैं बॉस। दोस्तों रेस 1 रेस 2 में यार सैफ अली खान ने जिस तरह से रेस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया है, सच में वो उनके लिए यार एक अलग फील रखती है मूवी। उन्होंने बोला भी है कि यार रेस फ्रेंचाइजी मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब रेस 3 से उनका पत्ता कट गया था तो उनको काफ़ी थोड़ा दर्द भी हुआ था, लेकिन अब फाइनली रेस 4 के अंदर सैफ अली खान कमबैक करने वाले हैं, और हाँ सलमान खान के साथ भिड़ंत पक्की होने वाली है बॉस। जी हाँ गाइस, लिख के ले लो ये। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है। अभी इसकी स्टार कास्ट का फाइनल तो हुआ नहीं है, लेकिन जब भी इसकी स्टार कास्ट अनाउंसमेंट होगी तो गाइस उसको फिर एक नए वीडियो में हम अपडेट वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। सो दोस्तों, ये था यार रेस 4 से जुड़ी अपडेट वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।